नागपुर अमरावती हाईवे से सटे काटोल बाईपास और खड़गांव रोड पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सड़क के बगल में खाली जगह पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया था। इस मार्ग पर काफी ट्रैफिक रहता है और फ्लाईओवर के निर्माण के कारण सड़कें संकरी हो गई है और दोनों तरफ यातायात भी बाधित हो रहा है। उक्त अतिक्रमण धारी दुकान पर वाड़ी नगर परिषद मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख के मार्गदर्शन में वाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवार और MRDC यातायात के सहायक पुलिस निरीक्षक विजय धुमाल में गुरुवार 31 अगस्त को JCP की मदद से अतिक्रमण का सफाया किया गया। अतिक्रमण में हाईवे से सटे सभी पांटेले, नाश्ता चाय की दुकान, मटन की दुकान, चिकन सेंटर, फल की दुकान आदि पर JCP का हथौड़ा चला। इससे पहले भी 22 जनवरी 2022 और 24 अगस्त 2022 को दुकानदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी। कुछ दिन बाद फिर खाली जगह पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है। 15 दिन पहले सभी अतिक्रमणधारियों को अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में नोटिस दिया गया था। आज JCP से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान उप मुख्याधिकारी गौरव गाड़गे, उप मुख्याधिकारी रत्नमाला फिटिंग, अधिकारी सूरज बालेकर, योगेश जाकिरदार, नंदन गेडाम, मनोहर वानखेड़े, धनंजय गोतमारे, भरत ढोके, अशोक जाधव, प्राची लांजेवार, पल्लवी हुमने, सुषमा भालेकर, माधवी भिलवेकर, सरिता गजबी, मुकेश महतो, भीमराव जसुदकर, रमेश गोकाटे, कमलेश तिजारे, आनंद भगत आदि सहित महिला पुलिस सफाई कर्मियों ने सहयोग किया। साथ ही शांतिपूर्वक अतिक्रमण को अंजाम देने के लिए सुरक्षा में वाड़ी पुलिस स्टेशन PI अविनाश निकालजे, WPSI कोली, ASI नवल किशोर इंची, HC दिनेश राइसकर, गोविंद मदकवड़े, गणेश आगरेकर, राजेंद्र बोराटे, तुर्केश मारुति मौजूद थे। सांगा सर, नगर परिषद वाड़ी हद्दीतील खड़गाव रोड, काटोर रोड आणि अमरावती रोड यावर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत्या। तशाच कर्मचारी जेव्हा व्हिजिट घेत होते तेव्हा अतिक्रमण जास्त झाल्याचं निदर्शनात आलेले होते। मागच्या वर्षी सुद्धा आपण अतिक्रमणची कारवाई केलेली होती। तसेच आता जे आपण अतिक्रमण कारवाई करणार आहे याबाबत आपण संबंधित अतिक्रमणधारकांना 20 ते 25 दिवस अगोदर नोटीस सुद्धा दिलेल्या होत्या। काही नागरिकांनी स्वतःहूनच अतिक्रमण काढलेले आहे, पण जे नागरिक जे अतिक्रमणधारक यांनी अतिक्रमण काढलेलं नाही त्यांची आज कारवाई करण्यात येत आहे आणि अतिक्रमण काढण्यात येत आहे। तसेच माझी नागरिकांना विनंती आहे की अतिक्रमण काढण्यानंतर पुन्हा त्यांनी अतिक्रमण करू नये, प्रशासनाला सहकार्य करावं। बजावण्यात आलेली होती 20 ते 25 दिवस अगोदरच नोटीस बजावलेली होती। इव्हन अतिक्रमणच्या डेट सुद्धा आपल्या काही 28 तारखेला अतिक्रमण होतं, काही प्रशासकीय कारणास्तव आपण डेट सुद्धा चेंज केली 21 तारीख केलेली आणि अनाउन्समेंट मुनाटी सुद्धा आपण दिलेल्या होत्या। अतिक्रमण दरम्यान काही समस्या निर्माण झाल्या का? नाही, नागरिकांनी यावेळेस सहकार्य केलेलं आहे। काही मोजकेच अतिक्रमणधारक आहे ज्यांनी अतिक्रमण काढलं नाही, त्यावर आम्ही आज कारवाई केलेली आहे। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।